बिहार में सत्ता की कमान भले ही नीतीश कुमार के हाथों में हो, लेकिन राजनीति का बाजार तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाने को लेकर गर्म है। बता दें कि जदयू द्वारा तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंपने की बात पर उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी को अलविदा कह गए हैं। इन सब के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। मुख्यमंत्री बनने को लेकर उन्होंने कहा है कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मकसद 2024 में भाजपा को भगाना है, उस मकसद के साथ हम सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार काम कर रही है, कहीं कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं ललन सिंह के ताजा बयान पर भी तेजस्वी यादव ने खुलकर अपनी बात रखी है। जब उनसे पूछा गया कि ललन सिंह कह रहे थे कि साल 2025 में सीएम के चेहरे का चुनाव अभी नहीं हुआ है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें गलत क्या है, 2025 दूर की बात है, नीतीश कुमार में अभी क्षमता है कि वो सीएम पद को संभाले, यही हम भी कह रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम जीतनराम मांझी द्वारा उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को सीएम बनाने की बात पर डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा है कि सबकी अपनी इच्छा होती है, कौन क्या करे, कौन पिता अपने बेटे की तरक्की नहीं चाहता है, वो चाहते हैं कि उनका बेटा सीएम बने, तो ये बहुत अच्छी बात है। बता दें आपको कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार बताते चले कि बिहार में सत्ता की कमान भले ही नीतीश कुमार के हाथों में हो, लेकिन राजनीति का बाजार तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाने को लेकर गरमाया हुआ है। जी हाँ, बता दें कि जदयू द्वारा तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंपने की और उनको आगे करने की बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी को अलविदा करके अपनी नई पार्टी बना ली है। इन सब के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मुख्यमंत्री बनने को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुझे अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। तेजस्वी ने कहा है कि महागठबंधन में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे काम के लिए हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमारा मकसद है 2025 में भाजपा को भगाना। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई तेजस्वी यादव को आगे चल के बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। बता दें कि तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार अच्छे से काम कर रही है, कहीं कोई भी कंफ्यूजन की बात तो बिल्कुल नहीं है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने ललन सिंह के ताजा बयान पर भी खुलकर बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि ललन सिंह कह रहे थे कि साल 2025 में सीएम का चेहरे का चुनाव अभी नहीं हुआ है, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसमें कोई भी गलत बात बिल्कुल नहीं है, 2025 तो दूर की बात है, नीतीश कुमार में अभी भी क्षमता है कि वो बिहार को संभाले, यही हम भी कह रहे हैं। तो वहीं पूर्व सीएम जीतनराम मांझी द्वारा भी उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को सीएम बनाने की बात पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सबकी अपनी इच्छा होती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।